हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जय हिंद और मेजर कल्सी क्लासेस की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। और मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ नेवी SSR का जो मॉडल पेपर है मैथ्स का स्पेशल, मैं उसको लेकर आ रहा हूँ, आया हूँ। तो देखिएगा ध्यान से क्या क्या है इसका फीचर मेजर कल्सी क्लासेस में, क्या क्या आप अगर जुड़े इसके साथ तो किस किस चीज का आनंद उठा सकते हैं। अभी हम मॉडल पेपर भी करेंगे, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं इस टॉपिक पे कि हमारा ये जो हमारा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं मेजर कल्सी क्लासेस, आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है अगर इससे आप जुड़े तो। और जब भी आप जुड़े तो लास्ट तक जुड़े, कोई भी काम करें तो स्टार्टिंग से लास्ट तक, बीच में आप कभी ना छोड़ें मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो आप देखिए, आप MKC का जो लर्निंग ऐप है उसे आप डाउनलोड कीजिए और जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उस पर आपको सारे टाइप के कोर्सेस डिफेंस से लेकर जो भी आपको सीखना है, मैथ्स रीजनिंग जो भी है, सब आपको बिल्कुल रेगुलर वे में मिलेंगे और सब फैकल्टी अपने आप में वेल एडुकेटेड हैं। क्लियर है? लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हैं, आपको पता है लाइव क्लासेस आप बिल्कुल देख सकते हैं। डाउट काउंटर हमेशा यहाँ पे क्या रहता है, खुला रहता है। डाउट काउंटर में आपको कोई इशू नहीं आएगा, हमेशा टीचर अवेलेबल रहेंगे, एनी टाइम आप कभी भी आइए। वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद आपको PDF फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। आपको PDF फॉर्मेट में मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। हाँ, एक्सपर्ट फैकल्टी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी यहाँ पे फैकल्टी है अपने आप में वेल एडुकेटेड है, सब हाई लेवल के फैकल्टी हैं, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर का भी आप आनंद यहाँ पे ले सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा एवरी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो हमारा जो भी है नेवी है या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड है या फिर एयरफोर्स, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों हाँ तो देखेंगे ध्यान से आप लोग, अब देखेंगे आप लोग, हम लोग आते हैं मॉडल पेपर पे। देखिएगा ध्यान से, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या दिया है, देखेंगे ध्यान से। ये दिया है log base x है 9/16 है is equal to -1/2। तो x का वैल्यू हमें निकालना है, x का वैल्यू हमें निकालना है, देखिए ध्यान से। तो देखिए log base में क्या है बच्चे, x है, और ये 9 by क्या है, 16 है, is equal to क्या है, -1/2। चाहिए बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, जिस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें आपके लिए बहुत ही सही रहेगा ये चीज। देखिए हमारे पास क्या है, log x by y, ध्यान से देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया सर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया क्या, एक मिनट ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कीजिए। हाँ देखेंगे बच्चे ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझे कि जैसे हमने लिख दिया log बेस ए बी इज इक्वल टू लिख द एक्स, log बेस ए बी। तो यहां पे ध्यान से देखें, जो b का वैल्यू होता है, ये b जो होता है वो क्या हो जाता है, ये a इधर चला जाता है, a टू दी पावर क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, x हो जाता है, a टू दी पावर x हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, log बेस ए बी हो तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a टू दी पावर x। और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। यहां पे दिया हुआ है log बेस, यहां पे है log बेस है x 9/16 इज इक्वल टू है -1/2। मैंने अभी आपको बोला कि x का पावर क्या हो जाएगा, -1/2, x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेस में, और पावर क्या हो जाएगा, -1/2। तो यहां से लिख सकते हैं कि 9/16 इज इक्वल टू जो होगा वो होगा x का पावर -1/2। क्लियर है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 9/16 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/x का पावर 1/2। और यहां से क्या हो जाएगा, ये 9/16 इज इक्वल टू हो जाएगा
9/16 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/16 इज इक्वल टू 1/√x। एक्स का पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1/√x। ठीक है, तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे इसको, ये रूट एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/9 यहां पे आ जाएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 16/9 मेरे बच्चों। अगर ये रूट एक्स इज इक्वल टू आ गया 16/9 तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/9 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 256/81। क्लियर है, देखेंगे ध्यान से कौन सा ऑप्शन मैच करा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सबको समझ में आया, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, हम यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड, सॉरी सेकंड नंबर क्वेश्चन लीजिए, उस पे क्लिक करिए, ये माउस वाले पे सबसे लास्ट में, सबसे यहां से भी तो आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप, ये हमारे पास क्या है, लॉग फिर से दिया है क्वेश्चन, लॉग एक्स बाई वाई प्लस लॉग वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, देन एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस वाई, यहां पे दिया है इफ लॉग एक्स बाई वाई इज इक्वल टू लॉग वाई बाई एक्स इक्वल है किसके, लॉग एक्स प्लस वाई के, तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस वाई पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है यहां पे क्वेश्चन में, x प्लस वाई का वैल्यू इसमें पूछ रहा है, x प्लस वाई, ये x प्लस वाई, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा log a प्लस log b का फॉर्मूला जो होता है आपको याद रखना है, log a प्लस log b, ये हमारा होगा log a प्लस log b जो होगा वो होता है log a इंटू log b, log a इंटू log b, इसको आप याद जरूर रखेंगे। इवन आप लॉग जैसे मान लीजिए दिया हो, ये भी आप याद रखें कि दिया हो लॉग ए वन प्लस लॉग बी वन प्लस लॉग ऐसे करके, यहां पे दिया है ध्यान से देखें लॉग ए वन प्लस लॉग ए टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक गया है, लॉग एन तक गया है, लॉग ए एन, तो ये वैल्यू जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, लॉग ए वन इंटू ए टू डॉट 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 एन तक जाएगा, कहां तक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एन तक जाएगा, ये लॉग ए वन इंटू ए टू डॉट 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 लॉग एन तक जाएगा। क्लियर है, आप कमेंट देख के रिप्लाई करते हैं, सिकंदर कुमार नॉट क्लियर, फिर से बताइए कौन सा क्वेश्चन बेटा, सिकंदर कुमार कौन सा क्वेश्चन, हेलो सर आई एम न्यू स्टूडेंट विजय रायकुमार, बहुत अच्छे बच्चे जुड़ गए आप और बिल्कुल आप आनंद लें। यहाँ पे देखिए log a प्लस log b जो है, log a प्लस log b ये इक्वल है log a इंटू b के, लेकिन अगर दिया हो log a1 प्लस log a2 और यही चीज n टर्म तक जाए तो फिर से वही चीज है, यहाँ पे log a इंटू b एक टर्म था, यहाँ पे दो टर्म था तो a इंटू b की है, लेकिन यहाँ पे n टर्म है तो सब आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, log a1 इंटू a2 डॉट 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 an तक। क्लियर है, अब क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे यहां पे ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है log, क्वेश्चन है हमारे पास log x बाई वाई प्लस log y बाई एक्स, और ये इक्वल है किसके, ये ध्यान से देखेंगे log x by y और log y by x, तो अभी बताया कि ये क्या हो जाएगा, log a into log b होगा, log a into log b, यानी कि log x by y into y by x, अभी बताया जो वही चीज यूज हो रहा है, और यहां पे क्या है log x plus y है, log x plus y, तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई,
तो यहाँ पे जो log 1 की वैल्यू होगी वो 0, ये हो जाएगा log x plus y। आपको पता है कि अभी भी मैंने बोला कि इस चीज को log जो है इसके साथ बेस जो है e छुपा रहता है, ये e जो है ना हिडन फॉर्म में रहता है। e कोई भी आप log लिखें, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल log x लिख रहे हैं आप, तो ये आप कंफर्म रहिए कि यहाँ पे बेस e छुपा हुआ है। ये बेस जो है सबका क्या है, e छुपा हुआ है, ये बाई डिफॉल्ट ही रहता है। अगर आप log लिखे हैं सिर्फ, तो जैसे log y लिखे, log x लिखे, log z लिखे, तो बेस हमेशा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो यहाँ पे e क्या हो जाएगा, e इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x plus y is equal to e का पावर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 0, और ये वैल्यू होगा किसके, 1 के। तो x plus y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इच सेट आर, ये तो सबको पता है कि इच सेट आर डैश ऑफ हिमसेल्फ, हर एक सेट जो होता है क्या होता है, इच सेट आर डैश ऑफ हिमसेल्फ, हर एक सेट अपना खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ये तो सबको पता है। इच सेट आर सबसेट ऑफ हिमसेल्फ, हर एक सेट अपना खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बेटा। सुदीप, सुदीप कुमार, प्रोडक्ट रूल, ओके। किरण कुमारी, हाय सर, हाय बच्चे। सौरभ कुमार, टेलीग्राम आईडी, अच्छा। सक्सेना आनंद, मंजीत वर्दी लवर, ठीक है, ए, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या आ गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस पे माउस पे क्लिक करिए, अब आगे बढ़ाइए, स्लाइड करिए आगे, ऐसे स्लाइड करिए, हाँ ऐसे स्लाइड करिए, इसको बताइए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमारे पास क्या है, इफ a इज इक्वल टू x सच दैट है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, एंड b जो है वो है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। देन हमें निकालना है a माइनस b, हमें निकालना क्या है बच्चे, a माइनस b। तो ध्यान से देखेंगे इस चीज को, हम सबसे पहले a निकालते हैं कि a में, a जो सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, हमें सबसे पहले निकालना क्या है, a जो हमारा सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट को निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, यहां से देखेंगे आप ध्यान से, a इज इक्वल टू आएगा हमारा, ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 0 है। तो यहां से निकाल लीजिए a की वैल्यू, इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a का 2 आया, एक तो आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा आ जाएगा 2। तो a में, a जो सेट है उसके दो एलिमेंट हुए, एक आया क्या 1 और दूसरा आया मेरे प्यारे बच्चों 2। उसी तरह हम क्या निकालेंगे, b का निकाल लेते हैं, तो b हमारा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, b की जो वैल्यू आएगी अभी से हम ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना, 4x है तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस x और ये आ जाएगा कितना, माइनस 5 इक्वल टू 0। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिया रहे तो इसका हम जो रूट्स है वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखें, हमारे पास क्या है, ये 5 है तो इसका नेगेटिव साइन लगा देंगे, 5 का क्या हो जाएगा, ये b जो हमारा आएगा, जो रूट्स आएगा इसका, x का जो वैल्यू आएगा एक माइनस 5 आएगा, और x के साथ हमारा क्या है, माइनस 1 है कोफिशियंट, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखें, यहां भी ये चीज लगा सकते थे, x का कोफिशियंट क्या है, माइनस 2, तो ये माइनस 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा एक 2, और यहां पे देखिए, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कोई भी आपको सिंपल ये दिया है, आपको फैक्टर निकालने के लिए, आपको रूट्स निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, आप इसको स्प्लिट कर दीजिए मन में भी, और जैसे माइनस 2x है तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 का माइनस 2 का 2 और माइनस 1 का 1 हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या आ गए, a आ गया 1 2 और b आ गया आपका क्या,
माइनस फाइव और वन, तो ए माइनस बी जब निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ए माइनस बी, तो ये कितना आएगा, ए की वैल्यू है आपके पास वन टू और बी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे क्या आ गया, माइनस फाइव कोमा वन, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे क्या बचेगा, टू बचेगा, क्या बचेगा टू, याद रखें इस चीज को, क्या बचेगा टू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, चंदन ट्विंस ब्रो अखंड अनंत सिंह, ऑप्शन नंबर टू राइट। एक बच्चे ने बोला था लखनऊ में हमारा आपका सेंटर है क्या, नहीं बच्चे अभी लखनऊ में नहीं है, अभी हम हमारा प्रयागराज में है, टैगोर टाउन है, टैगोर टाउन यहाँ पे हमारा सेंटर है, आप ऑफलाइन आकर यहाँ पे आनंद ले सकते हैं बिल्कुल। चांदनी सौरभ कुमार, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आप बात मानिए, आपका जो है मॉडल पेपर जो मैंने लिया है, बहुत सारे चीजों का एनालिसिस करके मैंने इस पेपर को उठाया है, तो आप देखिए ना, बहुत हाई लेवल का है ना, बहुत लो लेवल का है, मॉडरेट लेवल का मैंने उठाया है, ताकि क्या रहे आपके पेपर के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सबको आ रहा है समझ में, एक बार कॉमेंट करके बताए जरूर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर फोर के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। यहाँ पे देखेंगे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन फॉर विच, हमारे पास क्या है, वन प्लस आई है, ये वैल्यू है वन प्लस आई डिवाइड बाई वन माइनस आई, और इसका पावर क्या है एन, तो हमें एन का लिस्ट वैल्यू बताना है, एन का लिस्ट वैल्यू बताना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो हो जाएगा वन माइनस आई और ये हो जाएगा वन प्लस आई डिवाइड बाई, ये हो जाएगा वन माइनस आई और ये भी हो जाएगा वन प्लस आई, तो ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये दिया हुआ है वन, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि टू आई, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, तो यहाँ पे ये वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वन माइनस वन प्लस टू आई डिवाइड बाई वन प्लस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू हम माइनस वन डालेंगे तो वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, और ये वैल्यू कितना आ गया वन, तो देखिए वन से वन कैंसिल हो गया और इस सब का पावर एन है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी पावर मेरे प्यारे बच्चों एन है, तो यहाँ पे देखिए वन वन क्या आ गया टू, तो आ गया टू आई बाई टू, यहाँ पे देखेंगे टू आई बाई क्या आ गया टू आई बाई टू, यहाँ पे जो वैल्यू आया वो आ गया आपका टू आई बाई टू, ये जो वैल्यू आया आ गया टू आई बाई टू का पावर एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, तो यहाँ टू से टू देखिए कैंसिल हो गया तो आई की वैल्यू क्या आ गई एन, तो आई का वैल्यू अगर वन डालेंगे तब तो आई आएगा, लेकिन लिस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब सबसे छोटा लिस्ट वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा, देखिए आपका जो एसएसआर का पेपर है अभी 9 तारीख से चालू होगा और 8 तारीख तक हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आएंगे, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि अगर आप लगातार जुड़े हैं तो आपका उस लेवल का मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आ जाएगा, जिससे आपका आपका एग्जाम क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, आई की वैल्यू अगर वन रखें तो वैल्यू तो आई ही आ जाएगा, लेकिन अगर आई स्क्वायर दें तो माइनस वन आएगा, अगर आई क्यूब दें तो आई स्क्वायर इंटू आई यानी कि माइनस आई आ जाएगा, लेकिन आई का पावर अगर फोर दें हम आई का पावर फोर तो ये वैल्यू क्या आएगा वन आएगा, तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फोर, क्लियर है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा फोर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखिए सम ऑफ रूट ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस वन इंटू एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ये क्या है, इसका सम जो है रूट का सम और इसका प्रोडक्ट दोनों का दोनों क्या है सेम है, आई एम बिलोंग टू यूपी एंड डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट, हाँ बच्चे बताइए आप चित्रकूट से हैं, बिल्कुल जुड़े रहिए आप, बहुत ही फायदा मिलने वाला है, आप बात मानिए बहुत आनंद मिलेगा आपको अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं, और ये गारंटी है कि आप क्वेश्चन पे आप क्लियर कर लीजिएगा एग्जाम, आपको कहीं की कोई दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट एसएसआर में, जो भी सब्जेक्ट है सारा का सारा सब्जेक्ट यहाँ के जो फैकल्टी है बहुत ही वेल एडुकेटेड फैकल्टी, बहुत ही एक्सपर्ट, वो सब लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो मॉडल पेपर का आप फायदा लें आनंद उठाएं,
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 इनटू x माइनस p प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है 0, तो आपको पता है इसका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया सरकार, ठीक है आ गया। तो यहां पे देखिए ध्यान से, इसका प्रोडक्ट जो है रूट्स का यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों का दोनों क्या है बच्चे सेम है, तो हमें क्या निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई, आपको पता ही होगा, ये तो बचपन की कहानी है, अल्फा प्लस बीटा तो बचपन की बातें हैं, बचपन की बातें तो सबको आती ही है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो आ जाएगा 3p प्लस 1 माइनस बी बाई ए डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा कितना c बाई ए यानी कि माइनस पी प्लस 5 माइनस पी प्लस 5 डिवाइड बाई 3। तो देखिए 3 से 3 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया कैंसिल, और यहां पे आ गया माइनस 3p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पी माइनस 5। तो अगर इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा ये 2p हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू 4, तो पी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2, तो पी इज इक्वल टू कितना आ गया 2। सब लोग बताएंगे सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। कितने बच्चे आ चुके हैं, नेवी लवर बहुत बढ़िया बच्चे, नेवी लवर जुड़ चुके हैं हमारे पास, हम ओडिशा से हैं, बिल्कुल जुड़िए, दिल से जुड़िए, मजा आएगा एकदम। क्या मतलब देख, अखंड अनंत सिंह बच्चे बहुत बढ़िया आंसर बताए हैं आप, आशा कुमारी, सौरभ कुमार, हाँ बच्चे सौरभ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़ते रहिए मजा लेते रहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्वेश्चन है हमारा कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 जो है वो लेस देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इनक्वेटिव चेंज हो जाएगा, इनक्वेटिव क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि a है, a और b क्या है ग्रेटर देन 0 है, a भी हमारा अगर ये दो नंबर है, अगर दोनों साइड हम क्या कर दें, दोनों साइड अगर हम निगेटिव साइन ले लें, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें मेरे प्यारे बच्चों, तो इनक्वेटिव क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। इस पे आप ध्यान दें, अगर कोई भी नंबर दिया है ए ग्रेटर है बी से, लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनक्वेटिव क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। जैसे हम लिखे कि 5 ग्रेटर देन 2, लेकिन अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 5 लेस हो जाएगा माइनस 2 से मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखें, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनक्वेटिव क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों चेंज हो जाता है। ऑल इन वन नहीं आया सर, मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, ये जो नंबर है ए ग्रेटर है बी से, आप कोई भी नंबर लेकर देख सकते हैं, कोई भी दो नंबर उठाइए और ए क्या है ग्रेटर है बी से, ए हमारा ए बी से क्या है ग्रेटर है, लेकिन अगर दोनों साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, जैसे इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन में हम लिखते हैं ना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई निगेटिव साइन, समझ में आ रहा है, या मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसी तरह इनक्वेटिव में भी चलता है टेकिंग निगेटिव साइन बोथ साइड, दोनों साइड ऋणात्मक साइन लेने पर, दोनों साइड निगेटिविटी लेने पर, मतलब टेकिंग निगेटिव साइड बोथ साइड अगर लेंगे तो हमारा ये मुंह जो है इधर खुल रहा था, ये जो मुंह इधर खुल रहा था, ये मुंह इस साइड हो जाएगा, मतलब बी बड़ा हो जाएगा माइनस ए से, माइनस बी बड़ा हो जाएगा माइनस ए से, समझ में आ रहा है। ये किसी भी नंबर के लिए क्या है ट्रू है, जैसे 5 ग्रेटर है 2 से तो माइनस 5 किससे हो जाएगा लेस हो जाएगा माइनस 2 से, या फिर आप निगेटिव नंबर भी लेकर देखें, जैसे मैं लिखूं यहां पे कि माइनस 2, यहां पे देखिए ध्यान से हम लिखे माइनस 5 जो है वो लेस है किससे माइनस 2 से, लेकिन अगर हम माइनस साइन लगा दे फिर से दोनों साइड पे हो जाएगा माइनस माइनस 5, और ये ग्रेटर हो जाएगा किससे माइनस माइनस 2 से। अब समझ में आया सबको, कमेंट करके बताइए 5 ग्रेटर हो जाएगा किससे 2 से, कमेंट करके बताइए सबको समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, अब इस पे हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे हम अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा 0 से, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ये लेस हो गया किससे 0 से।
तो इसके टू रूट्स आएंगे आपके एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहाँ पे सॉरी इसको स्प्लिट कर लीजिए आप, इस टर्म को आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका माइनस फोर एक्स, ये माइनस फोर एक्स हो जाएगा प्लस, सॉरी ये माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इस चीज को आप फिर से देखिएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये हो जाएगा लेस देन जीरो। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसको स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो। यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा, यहाँ पे लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस फोर प्लस वन इंटू एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो। यहाँ पे देखिए आ गया x प्लस वन इंटू एक्स माइनस फोर, यह आ जाएगा आपका लेस देन जीरो। तो ध्यान से देखेंगे, अब नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन पे जब भी आप करें तो नंबर लाइन ले लें। हमारे पास दो रूट्स आया, एक आया माइनस वन और एक आया फोर, एक माइनस वन और एक फोर। अब देखिए आप ये साइन स्कीम को समझे, किसी भी इस टाइप का इनवर्टिज हो, किसी भी अगर इस टाइप का इनवर्टिज आपको मिले तो आपको अगर साइन स्कीम पता है थोड़ा सा भी तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज, आपसे ग्रेटर पूछे लेस पूछे कुछ भी पूछे, आप सबसे पहले यहाँ इसका रूट्स निकाल लें इसको जीरो के इक्वल करके, जो भी इनवर्टिज में एक साइड आप जीरो कर दें बाकी टर्म को एक साइड करके आप नंबर ऑफ रूट्स निकाल लें। ठीक है, जब आप नंबर ऑफ रूट्स निकालेंगे तो आप फोर से बड़ा साइन लेकर इसमें चेक कीजिए, आप इसमें फोर से बड़ा वैल्यू कुछ भी लीजिएगा तो ये वैल्यू इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये माइनस वन से फोर के बीच में जाएंगे तो ये निगेटिव आएगा, और इसके बीच आप चेक करके देखेंगे जरूर, और माइनस वन से आप छोटा लेंगे वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा। फोर से कोई बड़ा वैल्यू डाल के देखिए, फोर से कोई भी बड़ा वैल्यू डालिएगा तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, माइनस वन से फोर के बीच में वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और माइनस वन से अगर छोटा लेंगे तो फिर से वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव किसके किसके बीच में आ रहा है, माइनस वन से फोर के बीच में, माइनस यहाँ पे ओपन सर्कल इसलिए है क्योंकि माइनस वन और फोर हमें नहीं लेना है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर इनवर्टिज लगा देता अभी तो क्वेश्चन आपका आंसर ये आ गया, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपका इनवर्टिज का साइन ऐसे लगा देता इक्वल कर देता तो हम वन माइनस वन और फोर को क्या कर देते, इंक्लूड कर देते। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये कोई दिक्कत इसमें हमें क्या लेना है बच्चे, निगेटिव साइन लेना है। कौन लिख रहा है, सी सी सी, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ए, आंसर नंबर ए होगा इसका, क्योंकि हमें निगेटिव साइन, हमें ये वैल्यू एक्स का वो वैल्यू पुट करना है जिसके लिए इसका वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, ये हमारा क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए। क्लियर है सबको, एक बार कॉमेंट करके लिखेंगे, कीर्ति दीक्षित ए, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, अति उत्तम से भी ऊपर, बहुत अच्छे शानदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरे क्या हो गया सर, क्या हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, हाँ इसके बाद हाँ यहाँ पे ध्यान दें आप, हमारे पास दिया है ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, देन वन बाई बी सी वन बाई सी ए कोमा वन बाई ए बी आर इन। आप पहली बात ध्यान से सुनेंगे, कोई भी नंबर अगर ए पी में है तो उसमें अगर किसी नंबर से हम डिवाइड भी करते हैं तो फिर से जो सिक्वेंस आता है वो क्या होता है, ए पी में होता है। सौरभ कुमार देखिए, अगर ए बी सी ए पी में है, जैसे कोई भी नंबर, जैसे हम ले लें 2, 4, 6, ध्यान से देखिएगा 2, 4 और ये 6, अगर ये नंबर एपी में है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें किसी पॉजिटिव नंबर से या किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर से, जैसे हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2/2, 4/2 और ये आ जाएगा 6/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 जा कटा, और देखिए 2 जा कटा और ये 2, 3 जा कटा, तो यहाँ पे आ गया 1, 2, 3। देखिए ये भी क्या है, एपी में, तो कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो आप याद रखें कि उसमें जो दिया हुआ है उसमें अगर किसी नंबर से हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो जो नया सीक्वेंस आता है वो भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एपी में ही होता है। समझ में आ रहा है, तो ध्यान दें इस बात पे मेरे प्यारे बच्चों, इस बच्चे इस पे ध्यान दें कि ये 2, 4, 6 अगर एपी में था तो अगर डिवाइड किए हम 2 से तो फिर से जो नया सीक्वेंस आया वो भी क्या है, एपी में आया। तो हमारे पास जो नंबर है वो ए बी सी है, ये ऑलरेडी एपी में है, ए बी और ये सी।
अगर इस तीनों में हम डिवाइड कर दें एबीसी से, एबीसी से इसमें भी, और बी डिवाइड बाई एबीसी और सी डिवाइड बाई एबीसी। अभी बताया प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कि अगर हम सीक्वेंस ऑलरेडी एपी में है और उसमें सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, एपी में ही होगा। तो देखिए ए से ए कट गया, बी से बी कटा और सी से सी कटा, तो आया 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी और 1 बाई ए बी। ये भी आपका क्या होगा, जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी हमारा क्या होगा, एपी में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए किसका आया था, ऑप्शन नंबर ए कौन कौन जवाब दे रहा है, ऑप्शन ए आशा कुमारी कुमार, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सौरभ कुमार एपी, सौरभ कुमार ओके ओके, चांदनी ए, ठीक है बच्चे बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है द एम बिटवीन पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू इज, कभी भी अगर दो नंबर है उसके बीच में अगर सिंगल एम निकालना है, सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना है, जैसे हमारे पास ए है नंबर, ध्यान से देखेंगे, जैसे हमारे पास ए नंबर है, एक है ए और एक है बी और इसके बीच में एक सिंगल एम ए है, तो इसका जो वैल्यू होगा ए का वो होगा ए प्लस बी बाई टू। इस चीज को आप याद रखें, ये सिंगल एम का फॉर्मूला है। अगर कोई भी दो नंबर के बीच में अगर सिंगल एम निकालना है तो हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू। ध्यान दे इस चीज पे, ये जो वैल्यू होगा हमारा यहाँ पे पी है, पी प्लस क्यू है, ये क्या है पी प्लस क्यू, और यहाँ पे सिंगल एम निकालना है, मान लेते हैं ये सिंगल एम ए है और एक है पी माइनस क्यू, तो आपको कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे ये ए इजकल टू पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू ए प्लस बी बाई टू, और देखिए यहाँ पे क्यू से क्यू डिवाइड हो गया, आ गया टू पी बाई टू, ये कटा तो आ गया कितना पी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सौरभ कुमार कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी हमारे साथ, 44 पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब देखेंगे ध्यान से हम अगला क्वेश्चन हमारा जो है नेक्स्ट, वो कह रहा है द नंबर ऑफ टू डिजिट इवेंट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिपीटेशन बीइंग नॉट अलाउड। हमारा यहाँ जो है दो अंकों की सम संख्या जो अंक 1, 2, 3, 4 तथा 5 से बने, 1, 2, 3, 4 तथा 5 से बने और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब पुनरावृत्ति जो है वो नहीं हो सकती, मतलब सेम नंबर दो बार नहीं आ सकता, तो कितने हो सकते हैं इवन नंबर टू डिजिट के। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो है टू डिजिट का नंबर लेना है, आपको पता है कि इवेंट नंबर क्या होता है, अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, डिविलिटी रूल ऑफ टू, टू का डिविलिटी रूल क्या होता है, अगर यूनिट प्लेस पे 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे, टू से। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 में सबसे पहले टू ले रहे हैं, क्लियर है, हमने इसे वन वे से क्या कर दिया, फील कर दिया वन वे से। अच्छा अब जो बचा इसमें नंबर कितना बचा, 1, 2, 3, 4, तो इसको हम फिल कर सकते हैं किससे, फोर वे से, कितना फोर वे से, तो टोटल नंबर अगर यूनिट प्लेस पे टू आ जाए, यूनिट प्लेस पे टू आ जाए तो टोटल इवेंट नंबर क्या होगा, 4 × 1 यानी कि 4। तो ये तो फर्स्ट केस हुआ, केस वन, अगर यूनिट प्लेस पे टू है तो कितने नंबर बनेंगे बच्चे, 4। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे हम क्या रख दें मेरे प्यारे बच्चे, अगर यूनिट प्लेस पे हम 4 रख दें, क्या रख दें 4, तो ये वन वे हुआ, और ये फिर से हम कितने तरीके से इसे फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से, क्योंकि 4 ले लिए तो बचा नंबर कौन सा, 1, 2, 3 एंड 5, तो फिर से नंबर कितना आया 4, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसमें रिपीटेशन अलाउड हो जाता अगर, तो अगर इसे हम वन वे से भर रहे हैं तो फिर से इसे हम 5 वे से फिल करते, कितने वे से फिल करते, 5 वे से फिल करते और आंसर आता 10, क्योंकि यहां भी 5 है और इधर भी 5 है, तो टोटल कितना हो जाता 10 हो जाता है, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत इसमें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अरे गुरु जी ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर
कौन सा था एक बढ़ता है देखें ना, 10 के बाद 11 पे आता है, 11 ठीक है। इन हाउ मेनी वेज सिक्स गर्ल्स कैन बी सीटेड इन टू चेयर्स, टू चेयर्स पे जो है छह लड़कियां कितने तरीके से बैठ सकती है, कितने तरीके से बैठ सकती है। तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो है टू चेयर लगा हुआ है, मान लीजिए कि इसमें दो चेयर है, इसमें चेयर वन है ऐसे और इसमें चेयर टू है, क्लियर है। तो दो जो चेयर है उस पर कितने तरीके से दो लड़कियां बैठ सकती है, चेयर नंबर वन है सी वन है और इसपे क्या है सी टू चेयर है, इसपे बैठाना है हमें लड़कियों को। तो याद रखिए दो लड़कियां तो रिपीट करेंगी नहीं, सेम लड़की अगर दो दो सीट पे थोड़े ना आएगी, एक ही लड़की दो सीट पे एक ही बार में, डबल रोल तो है नहीं, डबल रोल तो है नहीं कि एक दोनों चेयर पे सेम लड़की आ जाएगी, समझ में आ रहा है, डबल रोल वाली बात तो है नहीं। तो एक लड़की मान लीजिए यहाँ पे सिक्स तरीके से बैठ जाएगी तो दूसरी आप बाकी सब लड़कियां इस पे फाइव तरीके से बैठ सकती है, तो फाइव इंटू सिक्स क्या हो जाएगा 30 वे होगा, कितना होगा 30, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 30 तरीके से बैठ सकती है, क्लियर है। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ, इफ ए पॉलीगन हैज 20 डायगोनल्स देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप दिमाग में रख लें, नंबर ऑफ डायगोनल ये होता है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, सब लोग इस चीज को लिख लें, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। इसका यूज करके आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, अन्यथा आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज कीजिएगा तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हम कैसे निकालते हैं, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, कीर्ति दीक्षित डी, सौरभ कुमार, ठीक है बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिएगा। हाँ तो n माइनस, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑलरेडी दे रखा है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है 20, तो 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू आ जाएगा n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 40 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, तो यहां पे आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस 40 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 40, यहां पे क्या आ जाएगा ये माइनस 40 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो। इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 8n प्लस 5n माइनस 40 इज इक्वल टू जीरो, तो n का दो यहां पे वैल्यू आएगा, एक आएगा 8 और एक आएगा माइनस 5, तो माइनस 5 तो नंबर ऑफ साइड हो नहीं सकता, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सबको समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताएं, सबको समझ में आ रहा है, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बच्चे इस बच्चे इसको जरूर आप शेयर करें और जरूर लाइक करना बोले, आपके जो भी रिश्तेदार हैं जो नेवी का जिनका एग्जाम है, नेवी एयरफोर्स जिसका भी एग्जाम है, वो जरूर जुड़ें और वो जरूर इस बात को शेयर करें, इस सेशन को जरूर शेयर करें, बहुत ही मजा आएगा और उनके लिए क्या होगा फायदामंद होगा बिल्कुल। तो इस सेशन को शेयर करना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों और लाइक करना ना भूलें, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एक का आने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर एक कार्ड हम ड्रॉ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, आपको पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, एक का कितना होता है एस कितना होता है 4, उस 4 में से कोई एक चूज करना है, तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो हो जाएगा 4C1 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो हो जाएगा 52C1, तो आ जाएगा 4C1 डिवाइड बाई 52C1, तो आ जाएगा 4/52, तो कितना आ जाएगा ये 1/13, तो कितना आ जाएगा ये 1/13, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदनी, बहुत अच्छे बच्चे सी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 red 3 black and 7 white ball. एक बैग है, इस बैग में क्या है, ध्यान से देखेंगे, इस बैग में एक बैग मान लीजिए है, इस बैग में 5 red ball है, 5 red ball, 3 black ball है, 3 black ball है और 7 white ball है. क्या है? 7 white ball है. अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से 3 ball are selected from a bag, इसमें से 3 ball हम चूज कर रहे हैं. तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट जो होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें 3 ball चूज करना है. टोटल बॉल कितने हो जाएंगे, 5, 3, 8 और 7, 15. तो 15C3, ये क्या हो जाएगा, 15C3. लेकिन नंबर ऑफ इवेंट की बात करें, जो इवेंट हमें चाहिए वो क्या है इवेंट, वो ध्यान से देखेंगे, हमें क्या चूज करना है, फ्रॉम अ बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 red ball and 2 white ball, एक रेड बॉल होना चाहिए, रेड बॉल एक ही होना चाहिए, यानी कि 5C1, हमें 5 में से कोई एक ही बॉल हम चूज कर सकते हैं, और 2 white ball, तो व्हाइट बॉल कितना है, 7 है, तो 7C2. समझ में आ रहा है चीज, 7C2, ध्यान रहे इस चीज का. अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान से देखे बच्चे, यहां पर प्रोबेबिलिटी जो होगा, पीई हम निकालेंगे कैसे, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, हमें सॉल्व करना है. नंबर ऑफ इवेंट क्या है हमारे पास, 5C1 into 7C2 डिवाइड बाई 15C3. अब देखिएगा यहां पर हमें 5C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 5C1 तो 5 ही होता है, लेकिन 7C2 को ब्रेक करने का आपको एक तरीका बता रहा है, कैसे ब्रेक करेंगे किरण कुमारी, 7C2 जो होगा इसको ब्रेक करेंगे. देखिए 7 जो है हम 7 into 6 कर लेंगे, हम यहां पे 2 है ना, तो 2 टर्म्स हम पीछे जाएंगे, 7 into 6 कर लेंगे, क्योंकि नीचे क्या दिया है, 2 दिया है. इस चीज को आप ध्यान दें, 7C2, तो 7C2 यानी कि हम 2 टर्म पीछे जाएंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, जितना है यहाँ पे उतना ही कदम पीछे चलना है, यहाँ पे 2 दिया है तो 7 into 6. शॉर्ट में इसको लिखने का तरीका, शॉर्ट में इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो लोअर इंडेक्स है वो कितना है, 2 है, 2 है, तो हम 2 कदम पीछे गए, 7 into 6 डिवाइड बाई, फिर इसका फैक्टोरियल 2 कर ले लेंगे, 2 into 1. ये शॉर्ट तरीका है करने का, डिवाइड बाई, अच्छा 15 यहाँ पे C3 है, तो हम 15 से 3 कदम पीछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 13 जाएगा 15 × 14 × 13 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1. अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए कटेगा तो 2 3 6 हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ये 3 5 15, ये 2 7 कटेगा 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 से 5 कटा मेरे प्यारे बच्चों, 5 से 5 कटा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये 7 से भी 7 कट गया, तो आ गया 3 by 13. क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 by 13 बचा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 by 13, यानी कि सी. क्या सबको समझ में आया सर, आप आगे आ जाते हो, दिखता नहीं है, सॉरी बेटा, देखिए ध्यान से, हाँ देखिए ध्यान से, देखिए अब दिखाई दे रहा है, मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बताया प्रोबेबिलिटी में ये चीज की एक हमारा क्या है, इसको बैठ जाने का, देखिए ध्यान से, एक बैग है, बैग में 5 red 3 black and 7 white ball है, उसमें से हमें चूज करना है 3 balls, कितने 3 balls, और 3 में से हमारा क्या हो, एक लाल बॉल हो और बाकी 2 के 2 क्या हो, सफेद हो. तो कैसे चूज करेंगे, हमारे पास क्या है, 5 red है, तो 5 में से 1 चूज कर लिया 5C1 तरीके से, और 7 में से 2 चूज कर लिया 7C2 तरीके से, डिवाइड बाई, अब टोटल 15 में से कितना चूज करना है, 3, तो 15C3, ये हमारा प्रोबेबिलिटी जाएगा. इसको ब्रेक करने का आपको तरीका बता रहा हूं, कि जैसे यहाँ पे लोअर इंडेक्स 2 है, तो हम 2 कदम पीछे जाएंगे, 7 into 6, क्लियर है, डिवाइड बाई 2 into 1. अच्छा यहाँ पे 15C3 है, अभी एक दो और करके बता देता हूं आपको, ये समझ में आया सबको, देखिए आपको ब्रेक करने का तरीका बता रहा हूं, फिर आप यहाँ पे क्या आ जाएगा 15C3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 × 14 × 3, 3 कदम पीछे जाएंगे, और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 × 2 × 1,
ये शॉर्ट तरीका है एनसीआर को सॉल्व करने का, एनसीआर को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इस चीज पे ध्यान दें आप लोग। 3/13 इसका आंसर होगा। जैसे आपको सॉल्व करना है 7C2, ध्यान से देखेंगे 7C2, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करना है बिना फॉर्मूला के, तो याद रखिए 7C2 है तो ये दो कदम पीछे जाएंगे, 7 × 6 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 7 × 6, और लोअर इंडेक्स क्या है 2, तो 2 × 1, 2 × 3 = 6 आ गया 21। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? मेरे प्यारे बच्चों सुदीप सुपर सर लव इट, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भगवान आपको हमेशा खुश रखे मेरे प्यारे बच्चों, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले, ठीक है। कोई भी अगर एनसीआर है उसको सॉल्व करने का ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसे आप याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए एक और बता देता हूं कि जैसे आपको सॉल्व करना है 10C3, तो कैसे जाएंगे 10 × 9, 3 कदम पीछे जाइए, यहां पे 3 है लोअर तो 3 कदम पीछे, 10 × 9 × 8 ÷ 3 × 2 × 1, तो आ जाएगा 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, और ये 12 = 120 आंसर आ गया। क्लियर है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सर जी क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15। इसके पहले 14 था ना, इसके पहले क्या था 14 था, कंफर्म है ना? एक बार देख लीजिए बैक करके। हाँ ठीक है 14 के बाद 15, ठीक है 15 पे आइए, 15 पे आइए, 15 पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैट्रिक्स का एक सुंदर सा क्वेश्चन है हमारे पास। a इज इक्वल टू दिया है मेरे प्यारे बच्चों, a इज इक्वल टू वो दिया है क्या 1 × 1 × 2 = 4 × 3, तो निकालना क्या है हमारे पास a² - 4a, तो पहले आप तो रो बाय कॉलम, हमेशा क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों रो बाय कॉलम, ये रो है और ये कॉलम, ऐसे आना है, मल्टीप्लाई का ये रूल है, रो बाय कॉलम हमेशा याद रखें, रो बाय कॉलम एक ही रूल है, रो बाय कॉलम, ऐसे रो बाय रो भी होता है, कॉलम बाय कॉलम भी होता है, समझ में आ रहा है? ऋषिकेश एम और सर क्या लिखे बेटा, DIST नहीं है, कितने लिखे CCC, जीवराज कितने बच्चे हैं अभी? हाँ यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, a² - a² सबसे पहले निकालेंगे, a × a निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, a × a, तो a × a जो है वो हमारे पास a × a निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 × 2 = 4 × 3, तो ये कितना आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि ये रो बाय रो करेंगे, रो बाय कॉलम आएंगे, तो रो बाय कॉलम आइए आप, रो बाय कॉलम जब आप आएंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, जब रो बाय कॉलम आप करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख लेता हूं, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये a² a × a, देखिए a × a पहले निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना 1 × 2 = 4 × 3, और इधर भी आ जाएगा 1 × 2 = 4 × 3, तो ध्यान से देखेंगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, पहला रो उठाएंगे और पहले कॉलम के साथ इसका काम तमाम करेंगे, तो देखिए 1 × 1 हो जाएगा ये 1 × 1, ध्यान से देखिए 1 × 1 + 4 × 2, पहला रो पहले कॉलम के साथ इसका काम तमाम कर दिया, फिर 1 × 4 ये हो जाएगा, देखिए दिस रो और सेकंड कॉलम, तो 1 × 4 + 4 × 3 मेरे प्यारे बच्चों 4 × 3, पहला रो का दूसरे दोनों कॉलम के साथ काम तमाम हो चुका है, फिर दूसरे रो को उठाएंगे पहले कॉलम के साथ 2 × 1 मेरे प्यारे बच्चों 2 × 1 + 3 × 2, इधर 2 × 4 + 3 × 3, तो ध्यान से देखेंगे यहां पे ये हो जाएगा 1 + 8, इधर हो जाएगा 4 + 12, इधर हो जाएगा क्या 2 +
2+6 और इधर हो जाएगा 8+9, तो हमारा क्या बन गया मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारा आ गया 9, 8, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17, क्लियर है? 9, 8, 16 और 17 ये मल्टीप्लाई हुआ हमेशा रो बाय कॉलम, 9, 8, 16, 17, तो हमें निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमें निकालना है, देखिए ध्यान से, हमें ए स्क्वायर माइनस 4a निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 4a, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a निकालना है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, 8, 16, 17 और ये माइनस 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए a से, तो 4 1 जा 4, हर एक एलिमेंट से 4 मल्टीप्लाई होगा, तो देखेंगे ध्यान से, 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 4 5, ये 0, ये 0 और ये 5, तो यहां पे वैल्यू आ गया आपका, इसे आप यहां पे अगर 5 आप कॉमन ले लें, 5 बाहर निकाल लेते आ जाएगा क्या 1001, तो यहां पे देखिए सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो सिर्फ तो यहां पे 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी i2, तो ये हो जाएगा 5i2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सी, आशा कुमारी, हां सी, बहुत अच्छे बच्चे आशा कुमारी सी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वही देखिए, यहां पे a into a ट्रांसपोज निकालना है, a into a ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज आप पता है आपको a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a की वैल्यू तो दे रखा है, a ट्रांसपोज आप निकाल लें तो हो जाएगा कितना cos अल्फा, रो को क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, इस रो को उठाए और कॉलम में, दोनों रो को कॉलम में, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, और ये हो जाएगा साइन अल्फा और नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा, क्लियर है? अब ए इंटू ए ट्रांसपोज आप निकालें, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सॉरी यहाँ पे जो है ना इसको आप देख लें एक बार, यहाँ पे ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना, जो ए दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और इसको ट्रांसपोज के साथ अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, सॉरी यह आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इधर आ जाएगा क्या आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों इसको, तो जब ये आंसर आएगा तो आ जाएगा 10 और 01, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1, और बाकी ये दोनों टाइम 0 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 के बाद, ये आप लोग कर लेंगे, सेम है, सेम क्वेश्चन है, जो सेम पैटर्न था उसी पे है ये। नेक्स्ट देखिए एफ एक्स की वैल्यू दे रहा है 9 माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 माइनस x स्क्वायर, इसका क्या निकालना है हमें, हमें डोमेन निकालना है, आपको पता है कि ये वैल्यू रूट बोलता है कि मेरा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू कब संभव है, जब 9 माइनस x स्क्वायर आप क्या ले लें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लें, ये रूट बोलता है, इससे रूट अंदर वाले से बोलता है मैं तभी डिफाइंड हूं जब मेरा वैल्यू क्या होगा, अंदर का वैल्यू पॉजिटिव ले लो या 0 ले लो, तो अगर हम दोनों साइड एक्स स्क्वायर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जो है वो लेस होगा 9 से, अगर रूट ले लें हम दोनों साइड तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट 9, क्या हो जाएगा रूट 9, ये हमारा रूट 9, अगर ये रूट 9 है तो हो जाएगा मॉड एक्स, रूट एक्स स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं कैसे, मॉड एक्स, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3, आपको पता है कि मॉड एक्स जब भी लेस देन इक्वल टू ए होता है, इस चीज को आप सीख लें, आप दिमाग में अपने डाल लें, इसका प्रूफ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप डाल लें इस दिमाग में इस बात को कि मॉड एक्स अगर लेस देन ए हो, लेस देन इक्वल टू ए हो, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में होती है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस ए से ए के बीच में होती है, सॉरी माइनस ए से ए के बीच में होगी, एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस ए से, एक्स की वैल्यू होगी माइनस ए से ए के बीच में, क्लियर है?
तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी माइनस थ्री से थ्री के बीच में, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? नोट डाउन करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा माइनस थ्री से थ्री, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये 19 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, मॉड एक्स माइनस वन, तो क्या है ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करेगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, कुछ भी वैल्यू डाले वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो सीधे सीधे आंसर नंबर सी, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे जो क्वेश्चन है हम लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम फिर जुड़ते हैं आपके साथ और आगे क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर आएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।